सो हे गाइस ईगल ईयर, और मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, पर इससे पहले मैं मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम नहीं खेल पाया, जिस वजह से मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया और वीडियो नहीं बन पाई। पर फाइनली मैंने मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम खेल लिया है और अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम की स्टोरी को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी याद से दबा देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी शुरू होती है अमेरिकन वारंट ऑफिसर चीफ माइक वेरन से, जो कि बहुत समय तक इंजर्ड रहने के बाद आखिरकार ड्यूटी पर लौटा है मिडिल ईस्ट के टेररिज्म के विरुद्ध, जिसके बाद वो अपनी पुरानी स्क्वाड से मिलता है जिसमें शामिल है डोजर, रायन, फॉक्स और कैप्टन जोन्स। एक ट्रेनिंग रन कंप्लीट करने के बाद चीफ को इमीडिएटली स्क्वाड के साथ एक एरिया में भेजा जाता है जो कि एक टेररिस्ट रेडियो पोस्ट था। इसके बाद स्क्वाड बिछड़ जाती है और एक एक जगह जाके रेडियो टावर्स को तबाह करने लगती है, जिसके बाद वो लोग पैलेस वेरी ग्रुप होते हैं पर उनके एक्सट्रैक्शन चॉपर को टेररिस्ट शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं और पिन डाउन हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग पैलेस में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट आते हैं, जिस बीच माइक और बाकी स्क्वाड उन टेररिस्ट को रोक के रखती है जब तक कि ना हमें दूसरी तरफ से एक्सट्रैक्ट किया जाए। थोड़ी देर बाद हमें एक हम्वी की मदद से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहां से। इसी बीच टीम ने ये नोटिस किया कि जैसे टेररिस्ट को उनके आने का पहले से ही पता हो, जिस वजह से टेररिस्ट ने उनके आने से पहले ही उनकी सारी की सारी प्लानिंग सोच ली थी और उनसे मुकाबला करने के लिए वो लोग बिल्कुल तैयार थे। इसके बाद स्क्वाड को एक हॉस्पिटल भेजा जाता है जहाँ पर शक होती है कि उन टेररिस्ट सेल का लीडर अबू बाहा रिकवर हो रहा होता है। उनका मिशन यह होता है कि उन्हें अबू बाहा को ढूंढ निकालना है और उसे मार देना है, पर इसी दौरान उन पे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक कर देते हैं। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए चीफ और डोजर सीवर्स की मदद लेते हैं। इसके बाद रायन और जोन्स बाहर वेट करते हैं, पर रायन उस मिशन के दौरान मारा जाता है, जिस बीच उन्हें जोन्स को भी बचाना होता है जो कि घायल हो जाता है। जोन्स को बचाने के बाद स्क्वाड फिर से बिखर जाती है जहाँ पर चीफ अब जाता है बाहा के पीछे। बाहा के रूम में पहुंचने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों को ट्रिक किया गया है और हॉस्पिटल पूरी तरह से एक्सप्लोजिव से भरी हुई है और उन एक्सप्लोजिव के फटने के बाद ये पूरी की पूरी हॉस्पिटल उड़ जाएगी। जो भी हो, इसके बाद वो और डोजर जैसे तैसे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि वो बाहर को न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करने से रोक सके। पर टीम को जल्दी पता चलता है कि अंडरग्राउंड में टेररिस्ट के पास एक बहुत बड़ा बेस है जहां पर एक छुपा हुआ रास्ता है शिपिंग कंटेनर्स में जाने के लिए। चीफ को उस न्यूक्लियर वेपन को ढूंढने के लिए भेजा जाता है जहां पर वो बाहर से मिलता है पर उसे मार नहीं पाता। You fear death. And yet you bring death and suffering to every part of the world. But we are hard. We cannot be stopped. And we will do anything it takes to accomplish our goals. वो वहाँ पे मौजूद बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग बस टूटने ही वाली होती है। इसके बाद बाहर वहाँ से भागने की कोशिश करता है एक ट्रक में। इसके बाद स्क्वाड भी हमी व्हीकल की मदद से उसे चेस करने लगती है। बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं बाहा की गाड़ी को उलटने में। इसके बाद स्क्वाड वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर बाहा अब गिरा पड़ा हुआ है। Yeah, बाहा! Didn't see that one coming, did you, buddy? You still don't get it, do you? Finally, that guy talks way too much. डोजर उसे पकड़ने के लिए रेडी होता है पर जोन्स हम सभी को धोखा दे देता है और डोजर को मार देता है, जिसके बाद वो फॉक्स को हॉस्टेज बना लेता है। अब बाहा उठता है और पता चलता है कि ये सब बाहा और जोन्स की मिली भगत है, जिसके बाद वो चीफ को वेपन्स रखने के लिए कहता है और चीफ उसकी बात ना सुनते हुए जोन्स को गोली मार देता है। Drop your weapon. We both know you won't be using it. Listen to him, chief. You don't have to die here. इसके बाद बाहा दो फ्रैग ग्रेनेड्स निकाल लेता है ताकि वो अपने साथ चीफ को भी मार सके, पर तभी पीछे से फॉक्स आके उसके ऊपर लेट जाता है और चीफ को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। चीफ वहाँ से भाग जाता है पर उस फ्रैग ग्रेनेड की वजह से बाहा और फॉक्स मारे जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब चीफ को प्रमोट कर दिया जाता है और वो एक हीरो की तरह पहचाना जाता है।
जिसके बाद वो फॉक्स के घर में जाता है और उसकी बीवी से मिलता है और उसे फॉक्स की शहीद होने वाली पूरी घटना सुनाता है और बताता है कि कैसे फॉक्स ने उसकी जान बचाई, और यहीं पर इस गेम का एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसके बाद मैं मॉडर्न कॉम्बैट 2 ब्लैक पेगासस की स्टोरी भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर रखना अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।